बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपनी असल जिंदगी में भी एक राजा की ही तरह जीते, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब शाहरुख खान को अपने परिवार की छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए समझौता करना पड़ता था। बात चाहे करियर बनाने की हो या फिर अपने प्यार को पाने की, शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए जी तोड़ मशक्कत की। ये बात हम किस लिए कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। दरअसल शाहरुख खान ने शादी से पहले अपनी पत्नी गौरी से वादा किया था कि वो उन्हें हनीमून के लिए पेरिस लेकर जाएंगे, लेकिन इसके लिए उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने पत्नी को खुश करने के लिए कुछ ऐसा किया कि आज तक पत्नी और शाहरुख खुद इसे भूल नहीं पाए। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। दरअसल शाहरुख खान ने हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अपने हनीमून से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा शेयर किया। अपने हनीमून से जुड़ा ये किस्सा शेयर करते हुए शाहरुख ने कहा, जब शादी हुई थी तो मैं बहुत गरीब था और गौरी एक मिडिल क्लास वेल टू डू फैमिली से थी। तो जैसा होता है कि मैंने इससे वादा किया था कि शादी के बाद मैं तुम्हें हनीमून के लिए पेरिस लेकर जाऊंगा, आइफिल टावर दिखाऊंगा और तमाम इस तरह की बातें मैंने की, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो सब झूठ था। मेरे पास ना तो पैसे थे ना एयर का टिकट। राजू बन गए जेंटलमैन का गाना शूट करने के लिए हम दार्जिलिंग गए थे। शाहरुख कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि गौरी भी कभी गई नहीं है बाहर, तो इसको पता ही नहीं चलेगा, तो मैं इसको पेरिस बोलकर दार्जिलिंग ले गया और ये हमारा हनीमून है। इस इवेंट पर अपने हनीमून की फोटोज शेयर करते हुए शाहरुख खान ने बताया कि उनकी शादी के 15-20 दिन बाद वो लोग दार्जिलिंग गए। शाहरुख के अलावा राइटर मनोज लालवानी ने भी शाहरुख खान और गौरी के इस हनीमून के बारे में एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि शाहरुख और गौरी के हनीमून का खर्च राजू बन गया जेंटलमैन के मेकर्स ने उठाया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, शाहरुख खान और गौरी दो अलग अलग धर्मों से आते हैं। दोनों ने ये इंटरफेथ वेडिंग की थी और दोनों को हुई शादी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार दोनों ने 25 अक्टूबर 1991 में एक दूसरे से शादी की और अब उनके 3 बच्चे हैं। बेशक उस वक्त शाहरुख खान के पास हनीमून के पैसे नहीं थे, लेकिन अब वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की कुल नेटवर्थ लगभग 760 मिलियन डॉलर्स यानी कि भारतीय करेंसी में 6300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं शाहरुख खान का बंगला मन्नत भी किसी महल से कम नहीं है, जिसमें पर्सनल जिम, पूल से लेकर हर फैसिलिटी उपलब्ध है। तो शाहरुख खान का अपनी पत्नी गौरी को पेरिस बताकर दार्जिलिंग ले जाने का किस्सा आपको कैसा लगा और इस बारे में आप क्या समझते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।